नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फाइनल कट प्रो एक्स का प्रयोग कैसे करना है वो समझेंगे। इसमें एडिटिंग किस तरह की जाती है। फाइनल कट प्रो एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिर्फ अवेलेबल है और फाइनल कट प्रो बहुत ही रेपुटेड सॉफ्टवेयर है। और लेटेस्ट वर्सन जो है फाइनल कट प्रो एक्स है, ये 10.3.4 है। फाइनल कट प्रो का ये मेन इंटरफेस है। अगर आप FCP 7 कभी यूज किए होंगे तो आपको याद होगा यहाँ पर एक विंडो हुआ करता था और यहाँ पर एक विंडो हुआ करता था, लेकिन अभी FCP X में सिर्फ एक ही विंडो है। ये पहला वाला बटन है, ये लाइब्रेरी का लिस्ट कंटेन करता है। यहाँ पे आपने जो जो प्रोजेक्ट आपने किया होगा उसका लिस्ट यहाँ पे मिलेगा। ये वाला बटन टाइटल्स वगैरह जनरेट करने के लिए है और प्री डिफाइंड स्टाइल वगैरह इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस प्रकार का आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। ये हमारा व्यूइंग विंडो है, जो भी हम लोग एडिट करेंगे टाइम लाइन पर वो यहाँ पर नज़र आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है, अगर एक फुटेज का क्रॉप करना है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो सारे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये इफ़ेक्ट्स का लिस्ट है, वीडियो इफेक्ट्स अगर कोई चाहिए तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ऑडियो का भी यहाँ यहीं पे अवेलेबल है। ट्रांजिशन के लिए ये बटन, ये देखिए सारे ट्रांजिशंस के लिस्ट यहाँ पर है। इनको हाइड करना है तो और एक बार आप क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो अभी सवाल ये है कि इस टाइमलाइन पे फुटेज कैसे लाएं। फुटेज लाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट का बटन यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वो कुछ सेटिंग्स के लिए पूछ रहा है। स्टार्टिंग टाइम कोड 00 मुझे यही चाहिए। अगर आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि टाइम कोड कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और वीडियो फॉर्मेट 1080p HD मुझे चाहिए, रिजोल्यूशन यही चाहिए और फ्रेम रेट यही चाहिए। रेंडरिंग एप्पल प्रोरेस 422 चाहिए। ऑडियो स्टेरियो 48 kHz चाहिए। ये सेटिंग करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए हमारा टाइमलाइन यहाँ पे रेडी है। अब यहाँ पे फुटेज लाने के लिए हम लोग डायरेक्ट फुटेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जिस तरह हम लोग FCP 7 में मीडिया फाइल को इंपोर्ट करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल इंपोर्ट, इसका शॉर्टकट की है Command-I, ठीक है। अब जहाँ पे मेरा फुटेज है मैं वहाँ पे चलता हूँ, ये फुटेज मुझे चाहिए। इंपोर्ट सिलेक्टेड, यहाँ पे ये आ गया। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेट करना पड़ेगा। अगर मैं क्लिक करके ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये इन पॉइंट आउट पॉइंट सेट हो रहा है। ये पूरा क्लिप चाहिए तो मुझे ये साइड का भी पूरा यहाँ पे रखना है, नहीं तो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इसको। ये पूरा फुटेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्लिक करके टाइमलाइन पे अगर खींचूँगा तो ये टाइमलाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्ले करके देख सकता हूँ। प्ले करने के लिए शॉर्टकट की है स्पेस बार, जैसे FCP 7 में था। ये 8 सेकेंड का फुटेज है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं है। और स्किमिंग क्या है कि जैसे इस फुटेज में क्या है, हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कई बार। कई बार अगर 2 मिनट का फुटेज है तो हमें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ता है। इसका अल्टरनेट उपाय ये है कि इस बटन को अगर मैं ऑन कर देता हूँ, जब मैं ऐसे माउस को मूव करूँगा तो इसमें क्या फुटेज है मैं देख सकता हूँ बड़ी तेज़ी से, फास्ट फॉरवर्ड की तरह, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा फीचर है FCP X में, ये फीचर FCP 7 में नहीं था। इसको टर्न ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट की इसका है S। अब जब आप किसी भी बटन के ऊपर, टूल के ऊपर माउस रखते हो तो वो टूल क्या है वो बताता है, साथ ही साथ उसका शॉर्टकट की क्या है वो भी बताता है। एनीवेज अगर मैं कीबोर्ड पे एस प्रेस कर देता हूँ, वो देखिए उसका स्किमिंग चला गया, उसको स्किमिंग कहते हैं। इसी फुटेज का और एक कॉपी में टाइमलाइन पे लाता हूँ। ये देखिए मैंने ये इसी फुटेज को खींच के यहाँ पे डाला। अब मैं बाहर क्लिक कर दिया, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। मुझे पता है फर्स्ट क्लिप का मुझे यहाँ तक ही चाहिए। मैं जैसे ही आई दबाता हूँ इनपुट सेट करने के लिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आउट पॉइंट भी सेट हो गया। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे ये देखिए चुंबक की जैसा एक फीचर है। इससे क्या होगा कि पहले क्या होता था, उसको हटाने के बाद या तो एडजस्ट करो या तो ऐसा शॉर्टकट की यूज करो जो अननेसेसरी फुटेज को हटाने के बाद इसको एडजस्ट कर ले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें चुंबक जैसा फीचर है। ठीक है, अगर इसको हटा दोगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में बताता हूँ। ये जो फुटेज है आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको ये फुटेज छोटा करके चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले फुटेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये देखिए ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसको क्लिक करके अगर मैं अंदर की तरफ जाऊँगा, देखिए ये फुटेज छोटा हो गया। अगर और जिधर पोजिशन करना है, मैं एक बार क्लिक करके लेफ्ट बटन माउस पर मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये हुआ इस ट्रांसफॉर्म का फीचर। यहाँ पे क्या क्या है, आप जब प्रैक्टिस करोगे इन सबको चेक करिए। और एक प्रॉपर्टीज है क्रॉप का, मान लीजिए मुझे ये पूरा फुटेज चाहिए ही नहीं, मुझे इसका 50% चाहिए। तो अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये पूरा का पूरा फुटेज 50% छोटा होगा, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, इसको 50% पूरा काट देना है, यानी कि क्रॉप करना है। उसके लिए ये टूल, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ तक सेट किया, ये देखिए पूरा 50% कट गया। ठीक है, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ हमें मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में फ्यूचर में चर्चा करेंगे। आपके फुटेज में आप चाहोगे कि मैं एक ट्रांजिशन ऐड करूँ, ट्रांजिशन के लिए ये वाला बटन, इसको क्लिक करके ये देखिए सारे ट्रांजिशन का लिस्ट आ गया। मैं सिर्फ एक ही ट्रांजिशन डाल के दिखाता हूँ। ये 3D रेक्टेंगल ट्रांजिशन है। यहाँ पे क्योंकि ये स्टार्टिंग में फुटेज ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये पूछ रहा है कि ट्रांजिशन क्रिएट करना है, इसलिए क्रिएट ट्रांजिशन। तो वो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्टिल फ्रेम्स स्टार्टिंग में ऐड करके इस ट्रांजिशन को ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि किस प्रकार का ये ट्रांजिशन इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस ट्रांजिशन को हटा देता हूँ, इफेक्ट एक डाल के दिखाता हूँ। इफेक्ट के लिए ये बटन है, इसको क्लिक करते इफेक्ट का लिस्ट सारा आ गया। यहाँ पे एक इफेक्ट है फ्लिप्ड, ये क्या करेगा, ये वीडियो को उल्टा कर देगा। ये देखिए ये है वो वीडियो इफेक्ट फ्लिप्ड। ये देखिए मैं इसके ऊपर माउस जैसे होवर करता हूँ, ये दिखा रहा है कि कैसा इफेक्ट होगा। इसको मैं खींच के इस सेकंड क्लिक के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये देखिए पूरा पलट दिया। समझ पा रहे हैं, ये पहला वाला फुटेज, ये सेकंड वाला फुटेज, वीडियो फुटेज को फ्लिप कर दिया इसने। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट की बातें। अब हम चर्चा करते हैं कि टाइटल कैसे डालेंगे। कई बार जो बेसिक मूल टाइटल चाहिए, वो एक सिंपल सा टाइटल चाहिए, वो टाइटल आपको मिलेगा, इस बटन को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे टाइटल्स के स्टाइल मिल जाएंगे, उनमें से आपको जाना है बम्पर ऑपरेटर। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए और ये देखिए सेकंड वाला टाइटल है बेसिक टाइटल। शुरुआती चरणों में 60% केसेस में आप यही टाइटल यूज करोगे, तो इसी से शुरुआत करिए, आपको सीखने में बड़ा आसान होगा। इसको मैं खींच के फुटेज के ऊपर डाल के टाइटल सेट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे रखने के बाद डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए ये खुल गया। और यहाँ से जो टाइटल टेक्स्ट चाहिए वो सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसको मूव करने के लिए क्लिक करके आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए फेस में जाएंगे, शो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कलर के लिए ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, इसको रेड कर देंगे, ब्लू कर देंगे, जो आपका मन चाहे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का लेंथ होता है वो 10 सेकेंड का होता है। कई बार आप स्टार्टिंग में टेक्स्ट चाहोगे तो इसको खींच के स्टार्टिंग में आप डाल दो, ये देखिए 10 सेकेंड का। ये देखिए अभी टाइमलाइन 10.10 सेकेंड एक फ्रेम पर है, यानी कि इस बेसिक टाइटल का जो टाइम लेंथ है वो है 10 सेकेंड का। ठीक है,
यहाँ पे टाइटल सेट कर देते हैं सैम्पल वीडियो एडिट, ठीक है। और अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा एडिटिंग ख़त्म हो चुका है, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट आउट पॉइंट सेट करेंगे आई, और ये रहा मेरा आउट पॉइंट। कमांड है सारा सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इन पॉइंट आउट पॉइंट क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका टाइम लेंथ शायद 2 घंटे का होगा, लेकिन आपको 10 मिनट का फुटेज का आउटपुट निकालना है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि इन पॉइंट आउट पॉइंट सेट करें और फिर एक्सपोर्ट निकालें। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए FCP7 में उसको एक्सपोर्ट कहते थे, लेकिन FCPX में उसको शेयर कहते हैं। हम लोग जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पे देखिए शेयर ऑप्शन है। शेयर पे अगर जैसे ही माउस रखता हूँ कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का शॉर्टकट की है कमांड ई। ये FCP7 में भी कमांड ई था। इसको क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट वीडियो एंड ऑडियो है। वीडियो कोडेक H.264 है, इसको क्लिक करके एप्पल प्रोरेस 422HQ रख देंगे। रेजोल्यूशन, कलर स्पेस, ये बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट चाहिए वो लोकेशन आपको यहाँ पे सेट करना है। प्रोजेक्ट का एक नाम दे देना है, सेव। और ये देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग दिखाता है, अब ये कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग जब एडिट ख़त्म हो जाता है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक अंदाज़ा हो गया होगा कि फाइनल कट प्रो को किस तरह यूज करना है, किस तरह एडिट करना है, किस तरह फुटेज इंपोर्ट करने हैं। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप वीडियो फुटेज को इम्पोर्ट करोगे, उससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स वो पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपको चाहिए। याद रखिए वीडियो फुटेज आपका जिस फॉर्मेट में होगा, जितना उसका रेजोल्यूशन होगा, वही रेजोल्यूशन आपको सेट करना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा होगा थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को कहीं पे भी सेव कैसे करते हैं वो नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि FCPX में आपको बार बार सेव करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक बैकएंड में सेव होता है। अगर आप जब इसके अंदर एडिटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलता रहता होगा। वो बैकएंड में ये तमाम प्रोसेस को सेव करता रहता है। यानी कि पॉइंट ये है कि सेविंग का टेंशन आपको लेना नहीं है, आपको सिर्फ काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जब आप वीडियो फुटेज एक्सपोर्ट करोगे, आप जब प्रोजेक्ट सेटिंग्स के दौरान जो रेंडर इंजन का आपने प्रयोग किया था वही रेंडर इंजन का प्रयोग करना है एक्सपोर्ट करने के दौरान। उसके बाद आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप दूसरे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनका प्रयोग करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट करो। मैं आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगा। थैंक यू।